चलिए बाबू देखो, रहने दो बाद में देखना। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? पत्ती के बारे में ना, समझो आपका खाना कहाँ बनता है? रसोई घर में, है ना। देखिए पत्ती की बात करते हैं, कि पौधे का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या यूं कहे जिस प्रकार से हमारा भोजन रसोई घर में बनता है, वैसे ही पौधों का भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है। इसीलिए पत्ती को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। पिछले वीडियो में भी जब मैंने कल बताया तो आपको मैं बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में पत्ती कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पत्ती, देखिए पत्ती पे दो चीजें पाई जाती है, ठीक। पहला क्या होता है? रंध्र होता है, और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। पहले पत्ती के भाग के बारे में जान जाओ, फिर कार्य समझते हैं। पत्ती के कौन कौन से भाग है, किस भाग को क्या कहा जाता है? तो ये पेड़ की डाल मान लेते हैं, जहां से पत्ती निकलती है, जहां से पत्ती निकलती है, ये डंठल वाला भाग जहां से वो शुरू होता है, वो क्या कहलाता है भैया? वो आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार। और उसके बीच वाला भाग, जो डंठल वाला भाग होता है, वो आपको मालूम है वो क्या कहलाता है? वृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? वृंत कहलाता है। इसके पहले वीडियो में हमने आप ये हम जान चुके हैं कि वृंत क्या होता है। तो वृंत पौधे का वह भाग जो किसी पुष्प को क्या करता है? तने से जोड़ने का काम करता है। तो ये आगे यही वाला पोर्शन, ये क्या है भाई? ये ही देखिए क्या है, ये वृंत है। समझ गए? आगे बात करते हैं। बीच वाला पत्ती को दो भागों में डिवाइड जो भाग करता है, देखिए ना पत्ती के बीच में एक तो भाग होते हैं, लंबी सी रेखा होती है, अलग अलग। अभी पत्ती के प्रकार आप समझेंगे तो आपको समझ में आना है, ठीक है ना। होता है जो पत्ती को दो भागों में बांट देता है, बीच वाला ये वाला भाग, ये क्या है? इसे क्या कहेंगे? इसे मध्य सिरा, बीच का सिरा। ये क्या है? ये मध्य सिरा के नाम से जाना जाता है। ये वाला भाग क्या है? मध्य सिरा, ठीक है। और जब पत्ती का सबसे किनारे वाला भाग, जो कोना वाला भाग, ये वाला, ये क्या है? इसे एपिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिक्स। आज आपको पत्ती के बारे में आ जाना चाहिए। ये कोने वाला भाग क्या है भैया? एपिक्स है। और ये बीच वाला भाग मध्य सिरा, और जहां से पत्ती निकलती है वो आधार, उसके और पत्ती जहां से शुरू होती है, समझ रहे हैं? जहां से पत्ती शुरू होती है और उसके बीच वाला भाग क्या कहलाता है? वृंत कहलाता है। और सबसे किनारे वाला भाग, जो किनारे किनारे रहता है, जिसके प्रकार अभी हम पढ़ेंगे, जो किनारे वाला भाग होता है उसे बोला जाता है मार्जिन। क्या बोला जाता है? मार्जिन बोला जाता है। और मध्य सिरा से छोटी छोटी सिराएं निकलती हैं, जिसे छोटी सिरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब समझते हैं पत्ती का कार्य, समझ गए ना पत्ती के बारे में। पत्ती में क्या क्या पाया जाता है? तो पत्ती में बीच वाला भाग मध्य सिरा, किनारे वाला भाग मार्जिन, कोने वाला भाग एपिक्स, ठीक है। और उसके छोटी छोटी जो छोटी छोटी सिराएं, जो सिरा में से जो सिरा निकली होती है उसे छोटी सिरा, जहां से पत्ती निकलती है उसे आधार, पत्ती और आधार के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे समझते हैं पत्ती के, पत्ती क्या काम करती है, पत्ती की क्या भूमिका है पौधे के अंदर, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारा भोजन रसोई घर में बनता है, वैसे ही पौधों का भोजन क्या बनता है? पत्ती में बनता है। कैसे बनता है? देखिए जमीन के अंदर से जब जड़, आप कहेंगे प्ररोह, ठीक है। जड़, जड़ का वीडियो में बनाया नहीं हूं ना, चलिए मैं जड़ वाले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अगला वीडियो जड़ का ही बनाऊंगा, आपको उसमें क्लियर कर दूंगा कि कैसे जड़ क्या होती है। देखिए होता क्या है कि प्रकाश, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है, ठीक है, तो जमीन के अंदर से क्या होता है कि जड़ क्या लेके जाता है? पानी लेके जाता है। और पत्ती के दो भाग समझिए, पहला भाग होता है भाई रंध्र। क्या होता है? रंध्र। देखिए हम पढ़ेंगे, पहला भाग क्या है? रंध्र। और दूसरा भाग क्या है? क्लोरोप्लास्ट। देखिए जिस आप जो पढ़ते हैं कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल भी कई प्रकार के हैं, है ना, ए बी। तो जिसमें ए बी पाया जाएगा वो ज्यादा हरी वाली पत्तियां, जो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करती हैं, उनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, ठीक है। फिलहाल समझिए, तो अब क्या होता है, आप समझेंगे कि क्या होता है कि पहले हम समझ लेते हैं रंध्र क्या होता है। तो रंध्र क्या होती है? ए पत्ती में एक छेद जैसी गोल गोल संरचना, अगर ये पत्ती की बात कर ले, गोल संरचना होती है जो वाष्पोत्सर्जन में सहायता करती है। वाष्पोत्सर्जन जानते हैं, दो चीजें समझ लीजिए, एक होता है वाष्पोत्सर्जन,
और दूसरा होता है बिंदु स्राव। क्या होता है? बिंदु स्राव। देखिए वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जित होना। आप कहेंगे कि वाष्प का भाई जैसे आप हमें पसीना होता है, वैसे ही पौधे क्या करते हैं, वाष्प को उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते हैं। तो आप कहेंगे कि पौधे के विभिन्न भागों से, पौधे के विभिन्न भागों से हुई जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। जब पौधे के विभिन्न भागों से, अलग अलग भागों से पानी की कमी होती है, पानी की हानि होती है, तो उसे कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। और जब बात कर रहे हैं बिंदु स्राव की, जब किसी, जब जल की हानि किसी विशेष स्थान से होगी तो उसे क्या कहेंगे? बिंदु स्राव। एक जगह, किसी एक स्थान, किसी विशेष स्थान से, है कि नहीं? जैसे आप लोगों के कान से वाष्पोत्सर्जन थोड़ी होता है, त्वचा से होता है ना, तो ये क्या है? बिंदु स्राव, है ना। जब किसी विशेष भाग से जल की हानि होती है तो उसे बिंदु स्राव कहते हैं, और जब पौधे के विभिन्न भागों से जल की हानि होती है तो उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, जिसमें रंध्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जड़ पानी लेके जाता है वो कहां तक जाता है भैया? रंध्र। और इसी रंध्र से होकर सूर्य का प्रकाश विटामिन डी प्रवेश करता है, ठीक है, और क्रिया करके क्या बनाता है भाई? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। आपको प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला तो याद ही है, CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ठीक है, ये है। तो क्या करते हैं पौधे? सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन के अंदर से क्या? पानी, ठीक है, बनाते क्या है? ग्लूकोज। मुक्त क्या करते हैं? H2O, वाष्पोत्सर्जन या बिंदु स्राव द्वारा। और कौन सी गैस छोड़ते हैं भाई? ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम और आप करते हैं श्वसन के लिए, ठीक है। तो इसी ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक जीव को जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस की जरूरत है? ऑक्सीजन। ये कोरोना काल में कितना वेंटिलेटर लेके दौड़े हैं आप जानते हैं, है ना, हर घर में, है ना। हम लोग बचे हैं, सौभाग्य की बात, हम लोग बचे हैं, जिंदा हैं, है ना। जिन्होंने अपने को खोया उनसे पूछिए, गैस सिलेंडर ले लेके दौड़ रहे थे, कुछ है मिल जाना है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये हाल होने वाली है, तो हमें पेड़ लगाना चाहिए, आने वाले समय में होगा। और दूसरी चीज, दूसरी सबसे बड़ी महामारी आने वाली भैया, सबसे खतरनाक, वो है जल की। जैसे हम ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे थे, वैसे हम पानी के लिए दौड़ने वाले हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे साधन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, अब ठंडी आ रही है ना, पानी की खपत कम होने वाली है। एक गिलास में पी भी लेंगे, हाथ भी धो लेंगे, चल भी जाए, सो भी जाएंगे। लेकिन गर्मी में क्या करते हैं, मोटर चालू है तो नहाते चले गए, ढपा ढप पानी भर के बह भी रहा है और नहा भी रहे। क्या है ये? पानी का मिसयूज है। पहले क्या होता था? पहले कुएं से पानी निकाला जाता था। कैसे निकाला जाता भैया? पहले कुएं से पानी जब निकाला जाता था तो पहली चीज तो आदमी काहिल हो जाता है। आप एक बार कुएं से पानी निकालेंगे तो आप सोचेंगे इतने में काम कर लूं तो अच्छा है। और अब क्या करना है? केवल एक स्विच तो दबाना है, है ना। एक स्विच दबा देंगे भैया, बहुत सारा पानी आ गया, जितना मन करे उतना यूज कर ले। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा? उस पानी को बचाया जाएगा। केरल में एक कानून लागू कर दिया गया भाई कि हर आदमी को छत के पानी, जो वर्षा वाला पानी है उसको बचाना है, सबको बचाना है हमारे यहाँ, है ना। आप, मैं ये नहीं कहता उस पानी को आप पी सकते हैं, कपड़ा तो धो ही सकते हैं, नहा सकते हैं, जानवर को धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, इनका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। अब जो पीने का पानी है भाई, अब उसका इस्तेमाल अब गाय धोने के लिए, भैंस धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या उसका मिसयूज हो रहा है ना। तो इस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप समझते हैं क्या कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ लगाएं। अब ये कहेंगे सर जी जमीन नहीं है, तो भाई जहां खाली है वहां लगा दीजिए, जहां बंजर है वहां लगा दीजिए, सरकारी जहां पे है वहां लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि कब्जे के लिए लगाया जाता है, समझ रहे हैं ना। आप लगा सकते हो, और किसी का जन्मदिन हो उस दिन लगा दीजिए, अपने जन्मदिन पे लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि लगा के भूल जाना है, समझ रहे हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता तो क्या किया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, तो ऐसे पेड़ की भी सेवा करनी चाहिए ताकि वो बड़ा हो सके। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि एक पेड़ आपको जिंदा रहने पे तो बेचारा सुख देवे करता, जब वो मर जाता तब भी आपको सुख देता है। छोटा पेड़ है वो ऑक्सीजन लेगा, है ना, छोटा पेड़ है तो आप उसे खा जाएंगे, जैसे बथुआ पालक खा गए, है कि नहीं। और दूसरा पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया तो आपको छाया देगा, और बड़ा हो गया तो फल दिया, है कि नहीं, और सूख गया तो लकड़ी दिया,
है कि नहीं? तो ये पेड़ आपको हमेशा फायदा ही देता है, वो कभी अपना भला नहीं चाहता। अगर वो नहीं, आपने पढ़ा कि वो क्या बोलते हैं, वृक्ष का बहुना फल बखे नदी न संचय नीर, है ना, परमारथ के कारण ऐसा धुंधला शरीर, पढ़ा है ना आपने, कि वृक्ष कभी क्या करता है, अपना फल नहीं खाता, समझ रहे ना, तो हमें लगाना चाहिए। और नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, पीती है नहीं, नहीं ना, तो समझे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन का काम कौन करता है, रंध्र करते भाई, रंध्र। और रंध्र कहां पाए जाते हैं, पत्ती में पाए जाते हैं। और पत्ती क्या है, तो पत्ती पौधों की क्या है, रसोई घर है। जिस प्रकार से हमारा खाना कहां बनता है, रसोई घर में बनता है, वैसे ही पौधों का खाना कहां बनता है भाई, पत्ती में बनता है। कि पत्ती प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसके द्वारा बना हुआ भोजन वो क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है। ये क्वेश्चन आपसे आप पूछेंगे कि भाई जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है, अब ठंडे में क्या होता है, चार चार दिन, एक एक महीने, पंद्रह पंद्रह दिन, सत्रह सत्रह दिन सूर्य जीना निकलना है, है ना, तब वो खनवा कैसे बनाते होंगे, तब पौधे कैसे भोजन करते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप अपने भोजन को इकट्ठा करके मनुष्य के शरीर में, आपने पढ़ा ना कि माइटोकांड्रिया, कौन, माइटोकांड्रिया का क्या काम है, तो माइटोकांड्रिया क्या काम करती है भाई, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस मतलब वो ऊर्जा गृह, है ना, वो जब आप भोजन करते हैं तो वो क्या करती है, पाचन के बाद उस भोजन को माइटोकांड्रिया क्या करती है, अपने अंदर समाहित ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और जब कभी, जिस दिन आप व्रत रहते हो या भोजन लेट मिलता है, तो वो आपके शरीर को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकांड्रिया से मिलती है। तो मनुष्य में हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करके रखते हैं, और पौधे स्टार्च या मंड के रूप में, समझ रहा, वो इकट्ठा करके रख लेते हैं। वो छः छः महीने अगर नहीं निकलने वाला, तब भी अपना भोजन बना लेंगे स्टार्च के रूप में। आप देखते हैं ना कभी कभार पौधों में, आपको मालूम है जाइलम और फ्लोयम संवहन ऊतक का काम करते हैं। जैसे आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर क्या है भाई, खून है, कैसे जाता है, तो वाहिकाओं द्वारा, नलिकाओं के द्वारा जाता है, वैसे पौधों में जाइलम और फ्लोयम। जाइलम क्या काम करता है, जमीन के अंदर से क्या लिख जाता है भाई, जल और खनिज लवण ले जाके कहाँ तक पहुँचाता है, पत्ती तक पहुँचाता है। और जहाँ प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन, कौन, फ्लोयम, कहाँ लेके आता है, पौधे के विभिन्न भाग तक पहुँचा देता है, ठीक है। चलिए, हमें समझना है भैया वाष्पोत्सर्जन, ठीक। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कि पौधे के विभिन्न भाग से हुई जल की हानि क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। मतलब जल की हानि, जल की कमी होगी ना जब पानी भाप बन के उड़ेगा तो, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, बिंदु श्राव, जब किसी एक विशेष स्थान से जल की हानि होती है तो उसे क्या कहते हैं, बिंदु श्राव। पत्ती के बारे में समझ में आ गया। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है भैया, तो इसके नीचे एक भाग होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। रंध्र आप समझ गए, आप समझते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक धब्बे जैसी संरचना होती है, जिसके अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल भी प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए, अब हम शुरू करते हैं भैया, अपने मुद्दे पे आते हैं, पत्ती के प्रकार। पत्ती कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की पत्ती पाई जाती है वो देखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल होती है, तो आप, हो सकता है भाई आपके जहन में कभी आया हो कि ये पत्ती ये वाली ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों है ना। चलिए आज हम उस डाउट को क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी पत्ती कैसी होती है, पत्ती के प्रकार, ठीक है। चलिए देखते, पहली पत्ती है आधार। किस आधार पे हम पत्ती को पहचान रहे हैं, तो पहले ये भैया मार्जिन के आधार पे, किसके आधार पे, मार्जिन के आधार पे। ये बाहरी संरचना देखिए, ये बाहरी वाली संरचना को क्या बोला जाता है, यही आपका मार्जिन है, ये क्या है, मार्जिन। मार्जिन के आधार पे पत्ती को हम देखते हैं। तो पहली पत्ती हमारी क्या भैया, पहली पत्ती हमारी है सरल पत्ती। क्या है, सरल पत्ती। कैसे पहचानेंगे कि कौन सी पत्ती सरल है, पत्ती को दो प्रकार, ऐसे दो प्रकार से समझ सकते हैं कि पत्ती कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। किस बेस पे, किस आधार पे आप पत्ती को देख रहे हैं, तो उसकी बाहरी संरचना, बाहरी बनावट के आधार पे हम देख रहे हैं कि पत्ती कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली पत्ती होती है सरल पत्ती, और दूसरी पत्ती होती है संयुक्त पत्ती। पहचान देखो, ऐसी पत्ती, ये देख रहे हैं, ऐसी पत्ती जिसका बाहरी बाहरी भाग, दूसरी भाषा में बोले तो एपिक्स, सॉरी मार्जिन, जिसका मार्जिन क्या होता है, एकदम प्लेन होता है, जरा भी कटा पिटा नहीं होता, एकदम प्लेन सीधा होता है, देख रहे हैं ना, सीधा है,
एकदम जो सीधा होता है उसे क्या कहते हैं? सरल पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल पत्ती। ठीक, ऐसी पत्ती जिसका बाहरी भाग क्या होता है, एकदम सीधा होता है, वो क्या कहलाता है? सरल पत्ती कहलाता है। जैसे आपने आम को देखा होगा, अमरूद को देखा होगा, ये कौन सी पत्ती है? सरल पत्ती है ना। अब यही दूसरी पत्ती आप देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, ऐसी पत्ती जिसका बाहरी भाग क्या हो भाई? कटा हुआ हो, देख रहे हो है ना। देखिए, ऐसी पत्ती जिसका बाहरी भाग क्या हो? कटा हुआ, डिजाइन में देख रहे हो ना, कटा है, कटा हुआ प्रतीत हो, या कटा हुआ पाया जाता है, या कटा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं संयुक्त पत्ती। कौन सी पत्ती? संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती आपने देखा किसका? आम का और अमरूद का। किसका? आम और अमरूद। आप देखेंगे उसकी पत्ती के किनारे कोई कटपिट नहीं होता। बहुत सी पत्तियां, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल आम है अमरूद है, बहुत सी पत्तियां आप उसकी पहचान कर सकते हैं। और वे पत्तियां जिनका किनारा क्या होता है? कटा हुआ प्रतीत होता है, वो क्या कहलाती है भाई? संयुक्त पत्ती। जैसे आपने देखा होगा गुलाब की पत्ती है ना, गुलाब की पत्ती, गुलाब की पत्ती देखे हो तो गुलाब की पत्ती कैसी होती भाई? अब रेण भी आप देख लेते हैं है ना, वो पत्ती कैसी भाई? वैसे कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा पत्ती के आकार के बारे में, तो पत्तियां टोटल कितने आकार की होती हैं? 40 आकार की होती हैं। आप अगल बगल, ज्यादा हो सकती है कम नहीं, आप देखेंगे आपके अगल बगल लगभग 40 आकार की पत्तियां पाई जाती हैं। ज्यादा हो जानी है, कम नहीं होने वाली। ठीक है, हम प्रकार पढ़ रहे हैं तो किस आधार पर हम पढ़ रहे हैं? तो ये वाला बाहरी बनावट के आधार पर पत्ती कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की होती है। वह पत्ती जिसका बाहरी भाग कटा पिटा प्रतीत होता है वो क्या कहलाती है? संयुक्त पत्ती कहलाती है। और वह पत्ती जिसका बाहरी भाग बिल्कुल प्लेन होता है, कोई कटपिट नहीं होता, एकदम साधारण होता है, उसे क्या कहते हैं? सरल पत्ती कहते हैं। कोई डाउट है? चलो बेस्ट ऑफ लक। देखो आगे आगे देखते भैया, आगे पत्ती की बात करते हैं सीरा के आधार पे। मैंने आपको जब पत्ती के बारे में बताया, शुरू में ही मैं बताया कि सीरा किसे कहते हैं, तो देखिए ये है सीरा, ये आपकी हो गई पत्ती, ठीक है, इस वाले भाग को मध्य सीरा, ठीक है, इस वाले भाग को, ये बीच वाला जो पत्ती को देखिए, एक भाग ये, एक भाग ये, दो भाग में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है ना, पहला भाग ये दूसरा भाग कर रहा है ना। तो मध्य सीरा क्या काम करती है? मध्य सीरा किसी पत्ती को दो भाग में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है, बांट देती है, समझ रहे हो। अब देखो क्या होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा वाला पत्ती को सीरा के आधार पे। देखिए हम पत्ती समझ चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट समझ चुके हैं, रंध्र समझ गए, पत्ती के प्रकार सरल पत्ती जान गए, और संयुक्त पत्ती। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि पत्ती का अगला प्रकार वो किस आधार पे बांटा गया? तो सीरा के आधार पे। सीरा क्या है? ये सीरा, ये क्या है? ऐसे निकला रहता है ना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, आप लोग बनाते ना बचपन में, हमारी पत्तियां ऐसे ही ना होती थी, हम ऐसे बनाते थे, तो ये वाली। अब देखिए इसके आधार पे भी पत्तियां प्रकार की होती है, कौन कौन सी है वो देखिए। तो पहली पत्ती हमारी कौन सी है? तो पहली पत्ती हमारी है एकांतर पत्ती। कौन सी पत्ती? एकांतर पत्ती। वह पत्ती देखिए ये वाला, जिसका सिरा एकदम सीधा होता है, एक जगह से निकलने वाला, एक जगह से, देख रहे ऐसी पत्ती जिसका सिरा क्या होता है? एक जगह से निकला होता है, सिरा लाइन से होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? एकांतर पत्ती कहते हैं। ध्यान से देखना, अब देखते हैं, देखो अब देखिए ये वाला, ये आपका मध्य सिरा, जहां से ये निकला वहीं से ये निकला, ठीक, जहां से ये निकला वहीं से ये निकला, जहां से ये वहीं से ये, ठीक। तो ऐसी पत्ती जिसका सिरा क्या हो? एकांतर हो, एक अंतर से, एक जगह से निकला हुआ होता है, एक जगह से सिरा क्या है निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एकांतर पत्ती। इसकी दूसरी पहचान समझ लो, पहली पत्ती ये हो गई, और दूसरी पत्ती कौन सी भाई? तो दूसरी पत्ती हमारी है जालिकावत। कौन सी है भाई? जालिकावत। जालिकावत
चलिए पहले एक अंतर समझ लेते हैं। अब वह पत्ती, ठीक है, वह पत्ती जिसका सिरा एक जगह से निकलता हो या क्या करता है, एक अंतर से एक जगह से निकल रहा हो, उसे कहते हैं एकांतर पत्ती। दूसरी भाषा में सबसे आसान पहचान, एक बीज पत्री। ऐसे पौधे जिनमें एक बीज पाया जाता हो, एक बीज का मतलब समझ रहे हो, एक बीज जिनके जिनका बीज केवल एक ही भाग, जिनके बीज में दो भाग नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, एक बीज पत्री। और ऐसे पौधे जिनका क्या होता है, ये लिख लीजिए भैया पहले, द्विबीज पत्री, और ये कर लेते हैं एक बीज पत्री। आप देखो आसान पहचान, ऐसा पौधा जिसका बीज केवल, जिसके बीज को दो भाग में नहीं बांटा जा सके, उसे क्या कहेंगे, एक बीज पत्री। जैसे देखो मक्का, ठीक है, जोन्हरी, समझ रहे हो, आप उसको क्या करेंगे, जब आप उसको तोड़ेंगे, आप उसको दो भाग में नहीं तोड़ सकते, ये क्या है, ये मान लेते हैं उसका बीज है, आप उसको तोड़ेंगे तो ये अलग अलग जगह से टूट जाना है। लेकिन ये दूसरी तरफ अगर आप द्विबीजपत्री की बात कर ले, तो चना, चना को खोलेंगे, उसका ना उसका कवर खोलेंगे, उसका पत्र खोलेंगे, वो क्या निकला, दो भाग में बट गया। अरहर कितने भाग में, दो। मटर कितने भाग में, दो। तो ऐसे पत्तियां या ऐसे बीज, पत्ती की पहचान हम पढ़ रहे हैं, तो जिनमें एक बीज पाया जाता है उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, एकांतर। भाई चलो मक्का का हम देख लेते, तो मक्का की पत्ती कैसी होती है, ये लंबी सी होती है, ऐसे होती है, है? और उसका सिरा कैसा होता है, देखिए उसका सिरा ऐसे, आप आज जाके देखिएगा उसमें ऐसे ऐसे सिराएं रहती हैं, ऐसे देखे कभी। चलिए दूसरा समझ लेते हैं, जैसे गेहूं, गेहूं देखा है, गेहूं की पत्ती भी ऐसी होती है, है ना, उसमें भी सिरा कैसी होती है, आप गेहूं में ऐसी वाली सीरा देखेंगे, देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे। तो ऐसा जो एक अंतर, एक तरफ से एक जगह से निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एकांतर पत्ती कहते हैं। और सबसे आसान पहचान दूसरी वाली, कि वे पौधे जो एक बीज पत्री होते हैं उनमें कौन सी पत्ती पाई जाती है, तो उसमें एकांतर पत्ती पाई जाती है। समझ गए, अब दूसरा समझ लो, देख लो दूसरा, जालिकावत। तो ऐसी पत्ती, फिर पत्ती बनाना है, ये क्या हो गया, मध्य सिरा। पत्ती का भाग आप याद कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा आपको, आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान यही लगा के रखिए। अब देखिए आपने क्या पढ़ा, कि ऐसी पत्ती जिसका सिरा क्या होता है भाई, एक बिंदु से निकलता हो, एक जगह से निकलता हो, वो एकांतर। लेकिन ऐसी पत्ती जिसका सिरा एक जगह से निकलता है, अब ये निकला यहां से, और लेकिन वहां से छोटी छोटी सिराएं क्या करती हैं, निकलती हैं, ये यहां से नहीं, यहां से जहां से, मतलब आपस में क्या हो, उलझी हुई हो, जिसमें सिरा आपस में उलझी, मतलब अलग अलग जगह से निकलती हो, उस पत्ती को क्या कहते भाई, जालिकावत। आप ऐसी पत्ती को आप देख सकते हैं, ये पत्ती किसमें पाई जाती है, द्विबीज पत्री में। आपने अरहर का देखा होगा, अरहर की पत्ती देखा ना, ऐसे रहता है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये मध्य सिरा, ऐसे ऐसे आपने देखा है। मटर की देखा होगा, मटर की पत्ती गोल वाली ऐसी होती है, फिर यहां से निकला रहता है, ऐसे ऐसे देखा है ना, है कि नहीं। चना का आपने देखा हुआ है, चना की पत्ती आप देखते हैं, ऐसे पत्ती रहती है, एक यहां से निकला रही थी पत्ती, फिर एक यहां से पत्ती निकली रहती है। अब पत्ती हम पढ़ रहे हैं, तो पत्ती में देखेंगे, पत्ती के अंदर ऐसे ऐसे सिरा आपस में उलझे होते हैं, हम देख सकते हैं, हम किसान के लड़के, हम लोग तो देखे जाएंगे गाँव में, है ना, शहर वाले बेचारे ढूंढेंगे, हम लोग तो एकदम फटाक से हर फॉर्मेलिटी हम लोगों के पास, अभी तो बस तैयारी है हम लोगों के, चन्ना मटर वाली, है ना, है कि नहीं। चलिए तो समझ गए, ऐसी पत्ती जिसका सिरा एक स्थान से एक अंतर से निकलता हो, उसे एकांतर पत्ती। वो एक बीज पत्री में पाए जाते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, धान भी, ठीक है, धान को भी आप दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, चावल को दो भाग में नहीं कर सकते, टूट जाना है लेकिन डिवाइड नहीं होना है, मर जइयो पर भजइयो नहीं, है ना। दूसरा जालिकावत, तो ऐसी पत्तियां जिसके बीज क्या होते हैं, द्विबीज पत्री होते हैं। पहले जालिकावत समझ लीजिए, कि जिसकी सिरा, जिसका सिरा क्या होता है, एक सिरा से कई छोटी छोटी सिराएं निकलती हो, उसे क्या कहते हैं, जालिकावत कहते हैं। और ये किसमें पाई जाती है, आसान वाली लास्ट वाली पहचान, जब कुछ नहीं आना तो ये पहचान लेना, कि जो द्विबीज पत्री होंगे, जिनका बीज दो भागों में बट जाए, आसानी से बट जाए, तोड़ के नहीं, दो बराबर भागों में बट जाए, वो क्या कहलाएंगे,
द्विबीजपत्री कहलाएंगे, उनमें कौन सी पत्ती पाई जाएगी तो जालिकावत। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा। चलिए अब भाई आखिरी पॉइंट, बहुत जबरदस्त टॉपिक है कि पत्तियां, कभी कभार कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो अपना क्या करती है, आकार बदल देती है, है ना? क्यों बदलती है, क्या कारण होता है वो देख लीजिए। कुछ पत्तियां आगे रूपांतरित पत्ती, वे पत्तियां जो अपने रूप को ही क्या करती हैं, अंतरित। रूपांतरित का मतलब रूप को बदल लेने वाली, रूपांतरित। इच्छाधारी नागिन है ये, है ना? अब देखिए क्या करते हैं, ऐसी पत्तियां आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में मरुस्थल, मरा हुआ स्थान, है ना, मरुस्थल में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ होते हैं, जितने भी भैया पेड़ पाए जाएंगे मरुस्थल में, उनके शरीर पे क्या पाए जाएंगे, कांटे पाए जाते हैं। इनकी दो पहचान, या तो ये सबसे बड़े लंबे लंबे होंगे, आपने पढ़ा होगा ना कि वृक्ष का बाहु नहीं फल बक है, सॉरी वो बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो खजूर कहाँ होता है, मरुस्थल वाली जगह पे ज्यादा होते हैं। दुबई उबई देखे ना, खाली खजूरे होनी है और कुछ नहीं होना, उनसे पूछे गेहूं देखे हो, पता नहीं है कि नहीं, समझ रहे ना, क्यों, मरुस्थल, मरा हुआ स्थान। हमारे यहाँ तो नॉर्मल मिट्टी है भैया, है कि नहीं, हम लोग बलुई वाले मिट्टी वाले, हम लोग बालू वाली मिट्टी से गेहूं निकालने में कर्म कांड हो जाना, ट्यूबवेल बेचारा सांस फूलने लगती है। यहाँ मरुस्थल पूरा पानी का कोई मतलब है नहीं, गिराते जाओ पानी, कोई दिक्कत नहीं, आज गिराओ शाम को आओ फिर उठा के लिख जाओ एक मुठ्ठा बालू, कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे। ऐसे जगह पे क्या होती है, दिन में पूरी घनघोर गर्मी, एसी चालू करके सो, और रात में घनघोर ठंडी, हीटर चालू करके सो, मतलब ये हाल है, समझ रहे। यहाँ स्वीटर और सूती कपड़ा दोनों के साथ ही चलता है, रात को स्वीटर पहन लेंगे, सवेरे क्या करेंगे, सूती कपड़ा, सोच लो। ठीक है, तो क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं भाई रूपांतरित पत्ती, वे पत्तियां जो अपने रूप को बदल लेती हैं, जिसका कारण क्या होता है कि पानी की कमी। सबसे आसान रूपांतरित, कांटा कब बदलता है भैया, जब क्या हो जाता है, H2O, पानी की कमी। अब देखो क्या होता है कि मरुस्थल, यहां पानी कम पाया जाएगा, ठीक है भाई, अगर कोई शेर है बहुत जोरों का भूखा, उसके सामने मैं आपको फेंक दूं क्या होगा, अभी पिंजरा में है, घबराओ मत, परेशान ना हो, अगर खुले वाले के सामने फेंक दिया जाएगा क्या होगा, बना देगा बिरयानी हमारी, 5 मिनट बना देगा, पार्टी उटी करके बैठेगा मजबूती से। वही काम होता है मरुस्थल में पाए जाने वाले वनस्पतियों का, ये क्या कर, ये इनके शरीर पे कांटे एक्चुअल में आते कि वो रीजन क्या होता है, तो ये अपने शरीर पे कांटे निकालने का मेन काम क्या होता है, ऊंट को देखे हो, ऊंट जानते ना, जिसे क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, है ना, हालांकि उसके पास पंख वंख नहीं होते, उसके पास 3 पलकें पाई जाती है, कितनी, 3, जानते हैं ना, उसके पास 3 पलकें पाई जाती है, वो क्यों, ताकि जो रेत उड़ते हो उसकी आंखों में ना जा सके। अब समझिए होता क्या है कि भाई अब इधर से अगर ऊंट गुजरेगा, अगर यहां से ऊंट गुजरेगा तो क्या करेगा, उसको भूख लगेगी, हरा देखेगा, कपड़ ले लेगा मामला, लेकिन अगर इसके शरीर पे क्या रहेंगे, कांटे रहेंगे, तो आज खाएंगे बेटा, आज पापा को उसको खाएंगे, तो कल उसका बेटा हुआ तैयार होगा, उसको खाने जाएगा तो पता चलेगा कि छेद हो जाना है मुंह में, हो जाएगा ना, क्योंकि मजबूत मजबूत होते हैं, बहुत कांटे इनके शरीर पे होते हैं। इन कांटों का रीजन क्या होता है, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है, पानी की कमी की वजह से वहां की पत्तियां क्या करती है, रूपांतरित हो जाती है, अपने रूप को बदल लेती है और शरीर पे कांटे निकाल लेती है। या तो वहां लंबा पेड़ टिक सकता है, या तो वहां पे वही वनस्पति होगा जो बहुत लंबा, ताकि ऊंट पाए ना, कोई जीव पाए ना, ऐसे ना उठ 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 के पाना है तब भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर रहता है, कितना मेहनत करेगा, जीरा पूरा शायद पहुंच जाए, है कि नहीं, लेकिन जीरा बेचारा वो चलेगा कैसे, समझ रहे ना। अब क्या है, तो अब ये छोटा है बेचारा भाई, देखिए दो ही लोग बच सकते हैं, या तो बहुत लंबा वाला बच सकता है, या तो छोटा वाला बचेगा, लेकिन छोटा वाला बचेगा कैसे, शरीर पे कांटे। भाई देखा गांव में क्या होता है, झगड़ा होता है ना, छोटा लड़का है बड़ा लड़का, अब बड़का 2-3 नमा चमाता तो छोटा प्रवचन देने लगता है, अब क्या करेगा, वो आपको मार तो सकता नहीं है, वो लंबी लंबी इंटरनेशनल नेशनल देगा कि बढ़िया बढ़िया बर्दाश्त करिए, है कि नहीं। वही काम करना है कि ये क्या काम करता है कि जब ये जीव किसी जीव से बचने के लिए अपने शरीर को क्या करता है, रूपांतरित कर लेता है, और उसके शरीर पे क्या आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। आप देखिए पानी की कमी, अगर ये कांटे निकलने का दूसरा प्रॉफिट देखो, पहला प्रॉफिट तो ये जीव जंतु से बच गया, है ना, जीवों से बच गया, दूसरा फायदा क्या है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि पत्तियों पर पाए जाते हैं रंध्र, जहां से होती है जल की हानि, क्या होती है, जल की हानि। अब भाई जब छेदवे बंद कर देना है, यही जहां रंध्र है वहीं से क्या निकल जाते हैं, कांटे, क्या निकल जाते हैं, कांटे। अब यही कमरा है, ठीक है,
और यहीं पे छोड़ा गया कौन को, या डंडा लेके मैं दौड़ा रहा हूँ दरवाजा कुछ बंद, कहाँ जाओगे, जाओगे कहीं नहीं। बस वो अरे सर जी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, हाथ गोल जोड़ के चालू हो मामला, है ना, रोना पीटना लगेगा कौनों, यही यही चीज है कि वो क्या करता है, वो अपने शरीर ये कांटे निकालने का मेन पर्पज क्या होता है, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम किया जा सके। एक तो पानी पहले से नहीं है उस पर से वाष्पोत्सर्जन, जब धूप लगेगी प्रकाश संश्लेषण जब करेगा वाष्पोत्सर्जन होगा, और जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी की क्या होगी, कमी होगी, वैसे ही पानी कम है तो वो क्या करता है अपने शरीर पे क्या निकाल लेते भाई कांटे, और वो अपने शरीर को कांटेदार बना लेता है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है धीमी पड़ जाती है, और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी पड़ जाती है तो इसका जीवन काल बढ़ जाता है। समझ गए, पहला समझ गए कांटे में रूपांतरित, दूसरा यन टू खतरनाक वाले आ गए अब, ठीक है, यन टू की कमी नाइट्रोजन, शायद कोई ऐसा जीव है जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन बना सकते हैं अपना, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, कल मैं आपको पढ़ाया था, कल वाले वीडियो में आपने देखा था, है ना। अब समझिए ऐसे पौधे, ये भी पत्ती का ही भाग है एक ठो, ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन वाला हम पढ़ रहे हैं, ये हो गया ये हो गया ये भी हो गया, ठीक है बच्चा हमारा नाइट्रोजन का। देखिए अब कुछ ऐसी पत्तियां या कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी नाइट्रोजन की कमी पूरी नहीं होती, वो क्या काम करते हैं, तो वो नाइट्रोजन वो क्या हो जाते हैं भैया, कीट भक्षी हो जाते हैं। इसमें क्या आता है, कीट भक्षी आता है, भक्षी ना, ठीक, कीट भक्षी जो कीटों को खा जाता है, क्यों खा जाता है, देखिए कैसे खाता है क्यों खाता है वो समझ लीजिए। ये क्या करता है कि ऐसा पौधा, ये प्रकाश संश्लेषण भी होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन बना सकता है, लेकिन क्या करता है फिर भी जब इसके नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती तो यह कीटों को खाने लगता है, कैसे खाने लगता है वो देखिए, यहां से अगर कोई कीट जाता है धीरे धीरे तो ये क्या करता है, इसके अंदर छोटे छोटे रेशे लगे होते हैं जो क्या करते हैं इसे अंदर जाने में सहायता करते हैं, और यहां से कोई कीड़ा जाता है एक बार यहां आ गया ना तो ये रेशे नीचे की तरफ हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, जाओ पहले सतर्क नीचे जाओ, यहां क्या रहता है, यहां अम्लीय पदार्थ रहता है, क्या रहता है भाई, अम्लीय पदार्थ रहता है, जहां उस जीव का क्या हो जाता है पाचन हो जाता है और नाइट्रोजन की पूर्ति हो जानी है, समझ रहे हैं। अब जब जैसे ही यहां कोई जीव जाता है ये ढक्कन क्या होता है बंद हो जाता है, जैसे कोई उड़ने वाला होगा अगर यहां तक पहुंचा तो ढक्कन बंद, अब उसमें उड़ेगा 5 मिनट उड़ेगा उसके बाद बंद हो जाना है, जब एनर्जी खत्म हो जाए ढपकते जाएगा नीचे, बस पाचन हो गया, फिर जैसे जब नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है फिर खुल जाता है, फिर कोई दूसरे जीव का इंतजार, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे जैसे क्या है, जैसे भाई क्या है उसका नाम है घटपरड़ी, क्या है घटपरड़ी, ठीक है, और दूसरा क्या है फ्लाई ट्रैप, क्या है भाई फ्लाई ट्रैप, ये हो गया घटपरड़ी, चलिए फ्लाई ट्रैप देखते हैं। फ्लाई ट्रैप क्या होती है, अंगुली की जैसी संरचना होती है, नाइट्रोजन की कमी वाला हम पढ़ रहे हैं कि जो पत्ती रूपांतरित होती है, ये ऐसी संरचना ऐसे अंगुली जैसी संरचना होती है खुली वाली, और इस पे क्या रहते हैं भाई कांटे रहते हैं, क्या रहते हैं कांटे रहते हैं, तो ये भी नाइट्रोजन की कमी के लिए अपने शरीर को बदलता है। अब क्या होगा ऐसे रहेगा, अब जैसे ही इस पे कोई जीव बैठेगा ये धीरे धीरे क्या होगा बंद होगा, और कांटे क्या होंगे पूरे क्या होंगे बंद कर लेंगे, अब उसमें उड़ नहीं पाना उसमें फंस जाता है, उन कांटों में क्या होता है वो उलझ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है या तो वो मर जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है अम्ल पाया जाता है, जैसे इसमें अम्लीय पदार्थ वैसे इसमें अम्लीय पदार्थ, और धीरे धीरे फिर इसका क्या हो जाता है पाचन हो जाता है, तो ये नाइट्रोजन की कमी के लिए भी अपने शरीर को क्या करते हैं रूपांतरित कर लेते हैं। तीसरा है प्रतान, ये इसका तो हम लोग जीता जागता मिसाल हम लोग देखें, हमारे यहाँ कुहाड़ा लगा होगा अभी भी जाके आप देख सकते हैं ना, लगाया ना लौकी लगी होगी आप देख सकते हैं, नेनुआ सरपुतिया दोनों लगा है आप देख सकते हैं, सेम लगी पड़ी है देख सकते हैं, है ना, आप देखे ना ये वाली संरचना भाई, चलो कहीं बनाते ये कोई डाल ऐसे ऐसी रहती है, इस पर ऐसे ऐसे संरचना रहती है, आप सोचते सर जी ई का है पत्ती रहती है, पत्ती के बगल में ऐसा रहता है, तो ये भी पत्ती का ही एक रूपांतरित है। ऐसे पौधे वो चढ़ने के लिए, वो ना चढ़ने के लिए या कहीं चिपकने के लिए सहायता करती हैं, वो पत्ती का ही एक भाग है जिसे प्रतान बोला जाता है, क्या बोला जाता है प्रतान, वह भी पत्ती का ही एक भाग है जो पौधों को चढ़ने में क्या करता है सहायता करता है। समझ गए पत्ती का पूरा समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए।